दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपल पे अकाउंट बनाते हैं कैसे। और उससे पहले दोस्तों आपको बताऊंगा कि पेपल है क्या। दोस्तों पेपल एक पैसे को ट्रांसफ़र करने का और पैसे भुगतान करने का जैसे पेटीएम है, लाइक पेटीएम। तो पेपल फ्रेंड आप सभी ने कई बार नाम सुना होगा, पर यूज किसी ने किया है कि नहीं किया है डोंट नो। तो फ्रेंड पेपल के बारे में आपको मैं बताऊं कि पेपल से हम पैसे किसी को भेज भी सकते हैं और पेमेंट ले भी सकते हैं। और पेपल फ्रेंड ये इंटरनेशनल वे पे काम करता है फ्रेंड। इसमें आप सामान खरीद सकते हैं, किसी का पेमेंट कर सकते हैं, और इसमें फ्रेंड आपका क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड नंबर भी अगर आप सेव करते हैं तो वो किसी को शो नहीं करता, डायरेक्ट पेमेंट करता है आपके बैंक अकाउंट से। और कुछ चार्जेस भी इसके लगते हैं फ्रेंड। तो पेपल अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं आपको बताता हूँ फ्रेंड। गूगल पे आपको जाना है, जस्ट पेपल आपको सर्च करना है। ज़रूरी नहीं आपको पेपल डॉट कॉम या डॉट इन सर्च करना है, पेपल डॉट कॉम आपको वर्ल्ड के अंदर और डॉट इन आपको इंडिया के लिए सर। तो फ्रेंड मैं जस्ट पेपल डॉट कॉम पर क्लिक करूँगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड जस्ट आपके मोबाइल में अगर आप खोलिएगा तो इस तरह खुलेगा। देखिए फ्रेंड एक किन किन को पेमेंट देता है, बुक माई शो, माई मेक माई ट्रिप, PVR वगैरह, वोनिक यात्रा, फ्रेंड इसके साथ काफ़ी सारे हैं। 180 डे रिफंड, फ्री रिटर्न शिपिंग है फ्रेंड, काफ़ी सारे हैं। तो फ्रेंड आप इसको यहाँ देख सकते हैं क्या क्या है इसमें। कॉन्टैक्ट नंबर, टोल फ्री नंबर भी इसमें है फ्रेंड, इस पर आप शिकायत वगैरह भी कर सकते हैं, उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा फ्रेंड। इसके मेन्यू में देखते हैं क्या क्या है। इंडिविजुअल और बिजनेस, हाँ फ्रेंड आपको दो तरह के यहाँ अकाउंट बनाने का ऑप्शन मिलते हैं। एक तो फ्रेंड है फ्रेंड खुद के लिए या अपने बिजनेस के लिए। तो फ्रेंड अगर साइनअप पर क्लिक करो, मैं आपको पेपल का अकाउंट कैसे बनाना है तो साइनअप करते हैं फ्रेंड। जस्ट साइन अप करेंगे, एक मिनट फ्रेंड, मेन्यू पे क्लिक करते हैं फ्रेंड और साइन अप पे क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड ये आ गया, तो फर्स्ट ऑप्शन पे आपको क्लिक करके फ्रेंड इसको कंटिन्यू करना है। अगर आप बिजनेस रिलेटेड चाहते हैं कि पेपल अकाउंट बिजनेस रिलेटेड हो, इसमें आप पेमेंट एक्सेप्ट कर सकते हैं और वर्ल्ड वाइड किसी को भी शेयर कर सकते हैं अपना पेमेंट, किसी को भी भेज सकें। तो फ्रेंड मैं इंडिविजुअल है, 4 सिफर्स, ये इंडिविजुअल अकाउंट है, क्रिएट कंटिन्यू क्लिक करके आगे हम क्रिएट करेंगे। तो फ्रेंड आपको यहाँ इंडिया दिया हुआ, आपको यहाँ अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और ई पासवर्ड जनरेट करना है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड मेरा तो आईडी क्रिएट, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ जस्ट। तो मेरा ऑलरेडी पासवर्ड और जीमेल और पासवर्ड डाला हुआ फ्रेंड, इसको बस लॉगिन करता हूँ। तो फ्रेंड मैं लॉगिन किया हुआ, तो मैंने अभी तक इसमें टास्क कंप्लीट नहीं किया फ्रेंड। पेपल पे भी आपको GST लगता है, तो जिन लोगों के पास पेन कार्ड है वही पेपल पे साइन अप करेंगे। उनके लिए पेपल पे आप अगर पेन कार्ड नहीं देते हैं तो आप बड़े स्तर के ट्रांजेक्शन पे नहीं कर सकते फ्रेंड। तो मैं इसको गेट स्टार्टेड करता हूँ फ्रेंड। देखिए मैंने फ्रेंड अभी तक इसमें अपना पेन नंबर नहीं दिया है, ताकि मैं आपको शो के लिए बस दिखा रहा हूँ, बाद में पेन नंबर मैं इसमें डाल दूँगा। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे बैंक अकाउंट को लिंक करना और डेबिट कार्ड को लिंक करना, इसके बारे में मैं फ्रेंड नेक्स्ट स्टेप में वीडियो बनाऊँगा। अगर ये वीडियो आपको मेरी पसंद आई हो फ्रेंड तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग भी मेरे चैनल पर नया है तो प्लीज़ उनसे गुजारिश करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू फ्रेंड। अगर इससे रिलेटेड फ्रेंड आपको और भी वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ लाइक करें फ्रेंड।